नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन वाली, इंग्लिश एडिशन ही है। और चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 11, मशीन और रेट। तो उसका क्वेश्चन चलेगा 26-25 तक की वीडियो आप देख चुके होंगे पहले। अब 26 क्वेश्चन आधा इस पेज पर आधा अगले पेज पर है, तो पहले पढ़ते हैं, समझाते हैं, फिर क्वेश्चन को कराएंगे। स्टैंड नीचे कर दिया है, अब आपको क्लियर दिख रहा हो यहाँ तक का। तो इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द मशीन आवर रेट, एज्यूमिंग दैट द मशीन विल वर्क एट 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर एंड दैट अ ब्रेक डाउन अलाउंसेस 10% इज रीजनेबल। तो 90% पे काम करने वाली हैं मशीन जितनी भी हैं, और 10% ब्रेक डाउन अलाउंसेस भी रहेगा उसके लिए। देर आर 4 हॉलीडेज फॉर दीपावली के लिए 4 हॉलीडे हैं, होली के लिए 3, एक्सक्लूसिव ऑफ संडे को छोड़कर जो छुट्टी दी गई हैं। द फैक्ट्री वर्क्स 8 आवर अ डे ऑन 5 डेज इन अ वीक, 5 आवर ऑन सैटरडे। तो यानी कि हफ्ते के 5 दिन तो 8 घंटे काम होता है, सैटरडे वाले दिन होता है आपका काम 5 घंटे का, ठीक है। और द नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइप आर 50 मशीन हमारी एक जैसी। द एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, एक्सपेंसेस हमें दे रखा है पावर, ये आपका मशीन एक्सपेंस में आता है, लाइटिंग ये 12,000 रुपये स्टैंडिंग में आ जाएगा। अब बाकी खर्चा आगे दे रखा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं सैलरी ऑफ फॉरमैन, ये स्टैंडिंग का खर्चा है 40,000। लुब्रिकेंट है 6,000 रुपये, ये भी ऊपर आ जाएगा। और रिपेयर ऑफ मशीन्स, ये मशीन एक्सपेंस है नीचे आ जाएगा, डेप्रिसिएशन नीचे आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है मशीन आवर रेट के लिए मशीन का वर्किंग आवर निकालना, जो कि 50 मशीन है उसके लिए निकालेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में निकाला वैसे निकालेंगे। उसका जो परफॉर्मा तैयार कर लेना लिखने तरीका। लेकिन इसके जैसा एक और एग्जाम्पल है, 18 एग्जाम्पल है इसके जैसा, वो ज़रूर कर लें तैयार। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन वहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं 17-18, वो दोनों डिफरेंट है, दोनों की तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है। वैसा सोचा था क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं मिला, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मिल गया, तो आराम से हो जाएगा ये तो। और क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन समझ में आ जाए और आप कर पाएँ, क्योंकि मैं करते करते जब करूँगा तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, देखता कोई भी नहीं है, स्किप करके देखते हैं तो उससे फ़ायदा नहीं मिलता उनको भी, ठीक। अब करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, समझाते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन 26वां क्वेश्चन है, वर्क कैलकुलेशन वर्किंग आवर। वर्किंग आवर निकालने के लिए लिखा है मैंने टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 365, और आपको कभी कभी ईयर वगैरह दे रखा हो तो उसको डिवाइड करना 4 से, और 4 से डिवाइड करने पर फुल नंबर आ जाता है। तो समझना वहाँ पर लीप ईयर है और वो वहाँ पर 366 डेज होंगे। लेकिन अगर पॉइंट में आता है डिवाइड करने पे, तो समझ जाना कि वो वहाँ पे लीप ईयर नहीं है, फरवरी 29 की नहीं 28 की है, इसका मतलब 365 डेज आएंगे। तो इस तरह से हम पहचान भी सकते हैं कि कब लीप ईयर होगा कब नहीं। तो लीप ईयर के लिए ईयर देना जरूरी है, लिखा होना चाहिए 2016, 2017, 2018, 2019 ऐसा कुछ भी होगा, 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर लिखा हमने 365। आप चाहें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं, उसमें चैनल को कैसे सपोर्ट करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। और इन 365 डेज में संडे को माइनस किया, 52 डेज आए संडे के, कैसे आते हैं उसको 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, हर एक दिन 52 बार रिपीट होता है। तो इस तरीके से 52 संडे होंगे, हॉलीडे कितने हैं 4 + 3, 4 दिवाली के लिए और 3 दिन होली के लिए, प्लस करके माइनस करेंगे 59, तो वर्किंग डेज आ जाएंगे 306। सैटरडे हमने माइनस किया क्योंकि सैटरडे काम होता है सिर्फ 5 घंटे, बाकी दिन 8 घंटे काम होता है, तो मैंने 52 सैटरडे माइनस कर दिए, अदर वर्किंग डेज आ गया। अब वर्किंग डेज अदर अदर हैं, एक 5 घंटे के लिए, एक 8 घंटे के लिए। तो वर्किंग डेज फॉर सैटरडे, तो मैंने यहाँ लिखा वर्किंग आवर फॉर सैटरडे, तो 52 × 5 कर दिया, 260 घंटे काम हुआ। अदर डे पे 254 डे मल्टीप्लाई 8, ये अदर वर्किंग डे था, तो उसमें 2032 आ गया, प्लस करेंगे 2292, ये वर्किंग आवर हो गया पर मशीन का। इसके बाद इफेक्टिव वर्किंग आवर निकालने के लिए इसका मैंने 90% कैपेसिटी निकाली, तो पॉइंट में है 2062.8।
फिर उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 50 मशीन से, क्योंकि 50 मशीन थी, 40 होती थी 40 से करते, तो टोटल वर्किंग आवर आ गया इफेक्टिव वर्किंग आवर। फिर उसमें माइनस किया अलाउंसेस फॉर ब्रेकडाउन 10%, तो इसका 10% माइनस करके आया 92826। ठीक है, 92826 क्लियर दिख रहा हो आपको। तो इतना करने के बाद परफॉर्म बनाएंगे और फिर वहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके, है ना, टाइम ना मिल पाए चांस, आप इसे वीडियो पॉज करो, 2-4 मिनट आराम से नोट डाउन करो। फिर उसके बाद मैं पेज पलट के दिखाता हूँ सॉल्यूशन इसका। तो हम सॉल्यूशन वाले पेज पे आ गए हैं, यहाँ लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। आपको अगर ये छोटा छोटा दिखाई दे बाई चांस तो इसे जूम कर सकते हैं, फोन में जब हम देखते हैं जूम करेंगे तो सारी चीज़ बड़ी बड़ी दिखाई देगी। और वीडियो की क्वालिटी 1080p पे सेलेक्ट करो, फुल एच डी पे, तो साफ साफ दिखाई देगा। 4K में मैं डालता नहीं, सिर्फ ये फुल एच डी क्वालिटी पे डालता हूँ। तो बेस पीरियड 1 ईयर, वर्किंग आवर 92826 लिखा, और पर्टिकुलर पर ईयर पर आवर, स्टैंडिंग चार्जेस लिखे और मशीन एक्सपेंसेस लिखे। यहाँ पे खर्चे के नाम पर देखा जाए तो यहाँ पे है लाइटिंग जो कि, सॉरी, पावर नीचे आ जाएगा 80,000, लाइटिंग जो दे रखा है वो ऊपर आ जाएगा 12,000। पेज पलटते हैं तो खर्चा है सैलरी ऑफ फोरमैन, वो ऊपर आ गया 40,000 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा लुब्रिकेटिंग ऑयल 6,000 आ गया ऊपर, और मशीन के रिपेयर है 36,000 नीचे आ गया। फिर डेप्रिसिएशन 26,000 नीचे आ गया। हमने लगातार डिवाइड क्यों नहीं किया नीचे वाले खर्चे को, क्योंकि डिवाइड करने वाली चीज़ ज़्यादा थी, अमाउंट ज़्यादा है इस चक्कर में। तो मैंने सबको पहले प्लस करना है, प्लस करके टोटल स्टैंडिंग चार्ज आएगा जो कि 58,000 है, इसीलिए आप प्लस कर सकते हैं। फिर इसको डिवाइड करें 92826, तो 0.62 आ गया। पावर वगैरह इन सब की वैल्यू जोड़ा तो 142,000 आ गया, जिसको हमने डिवाइड किया 92826 उससे डिवाइड करके 1.53 का आंसर आया। दोनों को प्लस किया 2.15 मशीन आवर रेट। तो ये था इजी तरीका आपको समझाने का, कि मैं पहले क्वेश्चन को लिख लूँ, सॉल्व कर लूँ, सॉल्व करने के बाद कॉपी में फिर आपको वीडियो बना के समझा दूँ। क्योंकि बड़े क्वेश्चन में कम से कम ये 20 से 25 मिनट की वीडियो बनती है, जैसे कि कोई नहीं देखता, मुझे पता है ना आजकल के बच्चे जल्दी वाली चीज़ चाहिए उन्हें, समझना कोई नहीं चाहता, जल्दी जल्दी लिख लें और हो जाए, बाद में हम देख लेंगे। कोई चीज़ समझना है तो कमेंट कर दो बेटा, कमेंट का रिप्लाई, मैं बहुत सारे कमेंट आता मैं नहीं कर पाता रिप्लाई, इसलिए मैं कोशिश ये कहता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखो। और कभी कभी आप ऐसी चीज़ पूछते हैं जिसके लिए मुझे वीडियो देखनी पड़ सकती है, और वीडियो मैं देखता नहीं पाता क्योंकि अलाउ नहीं होती है मैं वीडियो देखना, कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट चीज़ पूछी है, इसलिए आप प्लस वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपके सारे डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैं उन सारी बातों को जहाँ बच्चा डाउट कर सकता है या दिक्कत हो सकती है, उसको मैं रिपीट करके 2-3 बार बताता हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है। अगर वही चीज़ आप स्किप करके पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ मैंने समझाया, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पॉइंट समझा देता हूँ कई बार, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन, आपने ये नोट कर लिया, पीछे वाला नोट कर लिया होगा अब तक, तो इतनी बातें मैंने बोल दी। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, कम से कम ये उस बच्चे तक जो पहुँच जाए जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता, फीस नहीं भर सकता, लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है और फीस भरने वाला है, अगर वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन देखें, और वहाँ पे मेरी UPI ID है, तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको ये वीडियो पहुँचा दो, और जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कहते हैं ना गुरु की दक्षिणा, तो वो आप पे करके दे सकते हो। UPI ID मेरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, क्योंकि फ्री का ज्ञान मुफ्त का ज्ञान ज़्यादा दिन नहीं चलता, इसलिए कह रहा हूँ आप जो अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को डिस्क्रिप्शन पढ़ के, और जो नहीं कर सकता वो वीडियो शेयर कर सकता है दूसरे लोगों में, तो उसका मेहनत वही पार्ट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।